तो अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, दिखाती हूँ रुको। ये देखो क्या हाल है, अभी पीछे भी है देखो। सो मेरा मेकअप का दुकान लेकर बैठी हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, दिखाती हूँ रुको। ये देखो क्या हाल है, अभी पीछे भी है देखो। सो मेरा मेकअप का दुकान लेकर बैठी हूँ। मम्मी जी बोल रही हूँ तूने क्या दुकान खोला है। मैं बोली हाँ। सो अभी वो सब करने मैं बैठी हूँ और इसे करती हूँ क्योंकि सारी चीजें ना मतलब इधर उधर हो चुका है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब जो चीज चाहिए होता है वो नहीं मिलता, तो इसीलिए मैंने सोचा है चलो सबको पार्टीशन करेंगे, लेट्स सी किसको कहाँ गुजारते हैं। तो इसके लिए मैं जो पर्पल के बॉक्सेस है ना उनको फोल्ड करके इसके अंदर रख रही हूँ, देखते हैं कितना काम आता है, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सेस मेरे पास हो चुका है इसीलिए। तो चलो मैं ये सब करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ मतलब कुछ ही ये कुत्ता भी ना मतलब 5-6 रोटी बनानी है, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, अभी 7:30 बज रहे हैं और पति देव मेरे थोड़ा सा निकले हैं, और तब तक मैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ और 9 बजे से मैं आज लाइव आने वाली हूँ। सो आ जाओ जल्दी से, ठीक है। तो मैं ये कर लेती हूँ। देखो काफी हद तक हो चुका है ये, काफी हद तक नहीं कुछ ही हुआ है, मतलब इसमें है मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट, सारे नहीं कुछ ही है, मतलब बेस मेकअप्स या हैवी मेकअप में जो जो लगता है वो सारे है। और यहाँ पर मेरे परफ्यूम्स, एक बॉडी लोशन है जो एक्स्ट्रा मैंने जो फेस वॉश मंगाई है, बॉडी वॉश है, ये सारे हैं। और हेयर स्ट्रेटनर भी मैंने ऐसे ही रख दिया है इसमें, क्योंकि इसे अलग से रखने की जगह मेरे पास शायद नहीं है। और यहाँ पर नेल पॉलिशेस अभी रखा है ये देखो, और इसमें मेरी डेली यूसेज की चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर है कुछ वहाँ पर है वो तो आपको पता ही है। और यहाँ पर कुछ जो हेयर एक्सेसरीज है वो रखा है, बट अभी इधर ना मतलब इस मेकअप बैग में बहुत सारी चीज़ों की मैंने मतलब रिव्यू करना है मुझे, इसीलिए पैकेजिंग मतलब के साथ पैकेजिंग के साथ मैं रखना चाहती थी। तो कुछ चीज़ों का है, बट जो लिक्विड लिपस्टिक्स मैंने मंगाए थे उनका पैकेज जो पैकेट आया था वो नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है मैंने या फिर कहीं और पता नहीं। सो देखते हैं वो मिलता है या नहीं, या फिर मैं अपने मायके छोड़ के आई हूँ पता नहीं। अभी 8 बजने वाले हैं, कैन यू इमेजिन, मुझे जल्दी जल्दी ये सब खत्म करना है वरना मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। तो ये देखो मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, सामने मेकअप है, इसके बाद स्किन केयर है, इधर मैंने इस डब्बे में कुछ इयर रिंग्स रखा है जो मैं हर वक्त पहनती रहती हूँ, और इसमें मैंने हेयर एक्सेसरीज रखा मतलब क्लिप्स वगैरह रखा है, और इधर नेल पॉलिश का वो सारा सेक्शन, और उसके पीछे वो लिपस्टिक और क्या बोलते हैं आई मेकअप मतलब मिक्सचर वाला है, और ये वाला सेक्शन मतलब जो बॉडी स्प्रे वाला सेक्शन है वो नीचे हुआ नहीं तो उसे ऊपर लगा दिया है बैग के साथ, ठीक है। सो अभी 8:30 बज चुका है, ये देखो मुझे 9 बजे के अंदर अंदर सब कुछ करना है, और मेरे लिए पति देव मेरी चाय बना कर लाए हैं।
ठंडा हो रहा है और उधर मम्मी जी ने झालमुड़ी बना कर दिया है जो भी मैंने अभी तक खाया नहीं है, सो जल्दी से खा लेती हूँ, उसके बाद रोटी भी बना लूँगी। सो बाय। आप लोगों ने बहुत दिनों से मेरे हाथ की रोटी नहीं खाया है ना, मतलब नहीं देखा है ना मुझे रोटी बनाते हुए, चलो बनाते हैं ठीक है। तो डर लग रहा है, अभी 9 बजने वाले हैं, जल्दी करती हूँ। दोपहर का बिरयानी मैं आज भी खा रहे हैं और मम्मी रोटी खा रही है। हाथ का डाइट फिलहाल यहाँ से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत रात हो चुका है ठीक है, तो हम लोग खा लेते हैं, बाद में बात करूंगी ठीक है। मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया है और मेरे घर में भी फोन नहीं किया है, तो कर लेती हूँ ठीक है। मैं दही जमने के लिए रख दिया है, अगर आपको जानना है तो बताना, मैं जरूर शेयर करूंगी कैसे बनाते हैं दही। और आज मैंने एक DIY बना कर रखा है, ये देखो। तो मैं अलग से शेयर करूंगी, अगर काम करे तो, मैंने कहा था ना, देखते हैं। चलो अभी यूज करते हैं। मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया है अपना और बहुत आराम लग रहा है, मतलब इतनी गर्मी में ये एक आइस क्यूब इतना ज़्यादा ठंडक पहुंचा रहा है, एकदम क्या बोलूँ, सुकून जो है वो आ रहा है। तो चलो अभी 11:30 बज रहा है, ये देखो बहुत रात हो चुका है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैंने ना ये देखो, हाँ ट्राईपॉड लेकर आना मैं भूल गई हूँ, मैं अपने घर में ही मायके में ही छोड़ के आ रही हूँ। तो ये देखो कितने सारे क्या बोलते हैं पिलोज को लगा के मैंने लाइव बनाया, मतलब लाइव किया, वीडियो किया, और कुछ आज नहीं किया, मतलब जो रूम को क्लीन अप करना था, ये साड़ी को धोना था, वो भी नहीं हो पाया, पता नहीं कब क्या होगा। और यहाँ पर क्लीन किया था बट फिर से मैसी होने लग गया है ये, क्योंकि मेरी पति देव आ गए हैं। और क्या बताऊँ, ये देखो बहुत सारे कपड़े हैं, इनको भी फोल्ड करके रखना है, तो कल बहुत काम है और कल से मैं जल्दी उठूँगी, बहुत सारे काम भी करूँगी, एकदम डेली रूटीन फॉलो करूँगी। सो अभी मैं थोड़ा सा रूटीन बना लेती हूँ कि कल मुझे क्या क्या करना है ठीक है, और इसे चेंज भी करना है अभी, क्योंकि तो बहुत टायर्ड लग रहा है। बट ये आइस क्यूब लगा के ना फेस एकदम शांत आराम लग रहा है। सो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो, अगर अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली किसी के भी साथ, प्लीज शेयर करो मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उसके पास में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो मैं फिर मिलती हूँ मेरे किसी और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।